है हम दोनों का ही, ठीक है। हमने किया है, किया है, किया है। अरे यार, हम आ गए कि छठी तो घर पे बना ले। हाँ, तो मैं रेडी दोनों के लिए थी कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। कोई इंजेक्शन मुझे रिएक्ट कर गया है। हाँ। मेरी तो धक धक हो रही थी। शुक्राना भाई, शुक्राना। न्यान 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 न्यान। Welcome back to our channel. Hello everyone, welcome back. So guys, बहुत सारे questions आ रहे थे, DMs आ रहे थे कि आपकी normal delivery हुई है या C-section हुआ है, तो please बताइए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक special vlog इस पे बनाया जाए। बिल्कुल, और सारी चीजें भी हम share करेंगे, या basically इतनी share करेगी मैं संवाददाता या कैमरामैन की तरह बगल में बैठू, कैमरा अपना इनपुट देता रहेगा। तो बैठूंगा साइड में, भले ज्यादा पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ, पर है हम दोनों का ही, ठीक है। तो सब पे लाइट मारिए, बोलते हैं प्रकाश, सॉरी, हाँ वही लाइट मारो। हाँ, तो गाइज, जैसे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी है या सी सेक्शन है, तो मैं आप सबको बता दूं कि नहीं, स्टार्टिंग में बता दूंगी। हाँ, तो और क्या, थोड़ा सस्पेंस ना रखे, मेरे को लग रहा है सस्पेंस क्या रखना है इसमें। तो गाइज, हमने किया है, किया है, किया है। C-section ही होने ही वाला है स्टार्टिंग से, बट मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो। बट मेरा यही रहा कि जो मेरी डॉक्टर सजेस्ट करेगी, मुझे उसके अगेंस्ट नहीं जाना है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर्स तो कहते ही हैं, लेकिन तुम नॉर्मल के लिए ही ट्राई करना, डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी कई लोग चले जाते हैं, नहीं यार कुछ भी सिचुएशन हो हमें नॉर्मल चाहिए। लेकिन तुम्हारा भी तो था तो नॉर्मल का ही मन ना, तुम स्टार्टिंग, मेरा नॉर्मल का ही था। इनफैक्ट डॉक्टर ने कहा भी था कि नॉर्मल पॉसिबल है, तुम चाहो तो हम कर सकते, बट कई सारे फैक्टर्स डॉक्टर ने डिस्कस किए थे, जिसने हमें थोड़ा सा डरा भी दिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो फिर हमें लगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, कितने लोग तो सी सेक्शन कराते ही हैं, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सी सेक्शन करा लेते हैं। तो मैं रेडी दोनों के लिए थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं, तो मुझे डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरा तो कहीं ना कहीं मन था कि सी सेक्शन ही हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पूछा किसी ने, किसी ने नहीं पूछा। मतलब मुझे दुनिया भर की चीजें तो नहीं पता, पर ये पता है कि कई बार जैसे वाटर ब्रेक हो जाता है ना, तो सडनली डॉक्टर के भागना पड़ता है, तो वो पोजीशन मुझे पता है ऑलरेडी, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन में रहती थी या इस टाइम पे होता ही है, तो मैं नहीं चाहता था यार सडनली वाटर ब्रेक हो, मैं कहीं पे हूँ, क्या हूँ, तो रश करे ना, उतने में भी यार वो हड़बड़ाहट भी थोड़ा सा डरा देती है, डरा देती है। हाँ। और कई बार ये, और एक और बात है, कई बार ये भी होता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो नॉर्मल डॉक्टर बोलता है, आखिरी में जाके मोमेंट पता लगता है डॉक्टर बोलता है कि नहीं ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो यार ऐसे में भी ना, मेरा तो कुछ नहीं जा रहा, पर जो जैसे लड़की होती है उसका दिमाग चलने लगता है, भले ऑपरेशन के बाद कि यार मेरे को तो ये बोला था कितने टाइम। नहीं, कई बार क्या होता है ना कि आप मेंटली रेडी नहीं होते हो उसके लिए, और आप स्टार्टिंग से नॉर्मल के ही रहते हो, डॉक्टर भी कहता है नॉर्मल, आप जाते भी उसी सिचुएशन में हो, और वहां पे जाके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, और फिर आपको बोला जाता है कि नहीं अब ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो उस टाइम पे पेशेंट है ना वो रेडी नहीं होता, तो और ज्यादा नर्वस हो जाता है और दुखता भी है कि यार इतने टाइम में ऐसे ऐसा चाहते थे, मेरी ये प्लानिंग थी लेकिन मेरी प्लानिंग नहीं हो पाई, डर भी जाता है ऑपरेशन सुन के। तो इसलिए मेरा तो पहले से था, दोनों के लिए मैं 100% रेडी थी, नॉर्मल होती तो भी मैं बहुत खुश होती, और सी सेक्शन के लिए तो मैं रेडी थी कि हाँ कोई बात नहीं है, बहुत आजकल ज्यादातर लोग सी सेक्शन ही होते हैं, तो ठीक है मैं उसके लिए भी रेडी। तुम्हें दर्द हुआ था ड्यूरिंग ऑपरेशन? तो अरे नहीं, मैं कब का पूछूंगा मैडम, ऑपरेशन में किसको दर्द होता है, एनेस्थीसिया देते हैं कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन बेहोश तो थी ना, बेहोश, आप कॉन्शियस रहते हो, और मतलब आपकी हाफ बॉडी, मतलब यहाँ से लेके आपको कुछ फील नहीं होता, बाकी आपके सेंसेस तो सब रहते हैं। मैं तो बात भी करी थी डॉक्टर से, हाँ, और पता है क्या बात करी थी, एक्चुअली हुआ ये था कि मुझे किसी दवाई का थोड़ा सा रिएक्शन हो गया था, मेरा फुल फेस रेड, मैं बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गई थी, और मुझे तो नहीं पता था कि रेड हो रहा है फेस, बट बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थी। तो वहाँ पे जो एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर थे, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा अरे कोई भी दवाई जो है, कोई इंजेक्शन मुझे रिएक्ट कर गया है, तो उन्होंने दूसरा इंजेक्शन दिया कि मुझे नॉर्मल करने के लिए। फिर उसके बाद मैं कोशिश करी थी कि मैं होश में ही रहूं, मैं नींद में ना चली जाऊं, तो मैं बहुत ज्यादा एक्टिव थी, खुद को कोशिश कर रही थी कि मैं बिल्कुल अलर्ट रहूं, तो मैं डॉक्टर से बात कर रही थी। भाई इस तो ये तो अंदर थी प्रॉमिस, मैं बाहर था, हम सब लोग बाहर थे। हाँ। मेरी तो धक धक हो रही थी इतनी देर, कोई भी उस रूम से बाहर जाता मैं यूं देख रहा था कि भाई मुझे अब आया, अब आया, तो मैं तो खुश बहुत था, लेकिन प्रॉमिस मतलब वैसे नहीं घबराया था, लेकिन एंड मोमेंट पे जैसे लग रहा था ऑपरेशन हो रहा है, आखिरी 5-10 मिनट में ऐसा लग रहा था
भाई क्या है। और इनफैक्ट जब अंदर बुलाया भी तो भाई मैंने तो बाकी लोगों का सीमा थी, मम्मी थी, आप लोग जाओ मैं आ रहा हूँ पीछे, लेकिन उन्होंने धक्का दिया, अरे क्या कर रहे हैं भाई, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोग आगे बढ़े। एंड गाइस एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है ना, हम लोग को फैमिली का या आसपास के लोगों का भी एक तरीके से प्रेशर होता है कि नहीं तुम तो नॉर्मल ही डिलीवरी कराना, तुम तो यही करवाना, हम कह रहे हैं देखो हमारा हो गया या फलाने का हो गया। तो मैं आपको बस एक चीज बोलूंगी, देखो आपको ट्रीट तो डॉक्टर ही करने वाला है, तो आपको डॉक्टर का ही सुनना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है ना, एक वो बना दिया है कि डॉक्टर्स तो सिर्फ और सिर्फ सी सेक्शन ही करते हैं, नॉर्मल तो करते ही नहीं है क्योंकि पैसे बनाना होता है, फलाना ढिमका ना, बहुत सारी सी बातें हाँ, करते हैं। तो कुछ भी रीजन हो, एक्सरसाइज ही कोई भी रीजन हो, बट सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर पे ही ट्रस्ट कीजिए, और वो जो सजेस्ट कर रहा है उसके अगेंस्ट कभी मत जाइए, वो जो कह रहा है आप उसी को सुनिए, क्योंकि करना तो उसी को ही है। और सुनो सबकी, जो आसपास वाले बोल रहे हैं उनको, आपके अंदर से गट फीलिंग आती है, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल प्रेशर में नहीं कि इसने ऐसा बोला इसलिए मुझे करना ही पड़ेगा, नहीं, जो आपके अंदर से फीलिंग आती है आप उसको प्रिफर करो, वही फॉलो करो। और डॉक्टर ने हमें कहीं ना कहीं कहा भी था कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि नॉर्मल डिलीवरी से ज्यादा सेफ ऑपरेशन होता है। हाँ। उसमें कहीं ना कहीं 1% चांसेस होते हैं या थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो यार सबसे बड़ा फैक्टर तो यही था कि हमें तो यार कि ये सब मतलब रिस्क टाइप बिल्कुल नहीं लेना, हेल्दी बेबी बस और कुछ नहीं था, अब वो किसी भी तरीके से हो, पर हमें एक अच्छा स्वस्थ बच्चा चाहिए था, तो भी वही डॉक्टर ने कहा था बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, हम यही प्रेफर करते हैं। तो हमने कहा जय माता दी प्लीज। एंड नॉर्मली गाइज जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप दो दिन तक आई थिंक आप हॉस्पिटल में रहते हो, सी सेक्शन में आप 3 दिन तक का ही हॉस्पिटल का रहता है, हम लोग 5 दिन तक थे क्योंकि हर हॉस्पिटल का अलग रूल होता है, हम लोग 3 दिन में हाँ 5वें दिन पे हमारी वो हुई थी, और हम चाह भी रहते कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा वहाँ रुके यार की सारी चीजें समझ जाए। मेरे को तो डर ही लग रहा था घर आने में, लेकिन हम आ गए कि छठी तो घर पे मना ले। हाँ, तो हम लोग 5th डे घर आए थे, नेक्स्ट डे छठी का फंक्शन था। लेकिन जैसे बहुत लोग नॉर्मल भी कराते हैं, सी सेक्शन भी कराते हैं, मतलब तुम अपना बताओ ना क्या बेटर होता है वैसे, मतलब ऑनेस्टली सुना तो होगा ना तुमने कि नहीं सी सेक्शन बेटर है, कि कई लोग बोलते हैं नॉर्मल बेटर होता है, मैंने सुना है, मुझे नहीं पता क्या बेटर क्या होता है। बेटर तो नॉर्मल ही होता है क्योंकि उसमें आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हो, आप डिस्चार्ज होते हो, आप जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हो आप एकदम फिट होते हो, आप कुछ भी खा सकते हो, आप वॉक कर सकते हो, आपकी बॉडी फिट रहती है, मतलब हाँ ऑफकोर्स उतनी फिट नहीं रहती है बट आप बहुत जल्दी रिकवर कर जाते हो। मैं इसलिए भी नहीं चाहता था इसकी नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ मैंने कहीं ना कहीं सुना है और थोड़े बहुत वीडियो देखे हैं कि जब ये नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें जो पेन होता है ना वो हड्डियां टूटने के बराबर होता है। पर नहीं, वो टाइम ऐसा होता है कि हर औरत वो दर्द बर्दाश्त कर ले। मैं औरत नहीं हूँ ना तो मुझे नहीं पता, तो मैंने बस सुना है भगवान ने औरत को इतना स्ट्रांग बनाया है कि उस टाइम पे वो उतना पेन जो है बेयर कर सकती है, इतना उसको स्ट्रांग बनाया है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एनीवेज नॉर्मल इज मच बेटर देन सी सेक्शन, क्योंकि उसके बाद क्योंकि उसमें क्या होगा ना उस टाइम के लिए पेन होता है डिलीवरी के टाइम पे, चलो 2 मिनट का ही मान लो अगर कितना भी पेन होगा, कुछ सेकंड का एक स्ट्रॉन्ग पेन होता है और फिर रिलीफ मिलता है। लेकिन सी सेक्शन में क्या होता है, उस टाइम तो कुछ पता नहीं चलता लेकिन बाद में पता चलता है, जैसे अभी भी मुझे पेन होता है वॉक करने में, स्टिचेस में, स्टमक में बहुत पेन रहता है, थ्रू आउट पेन रहता है, कम रहता है ना। हाँ बट फिर भी रहता है। अच्छा, वैसे में नहीं होता कि मैं चल रही हूँ, बेंड हो रही हूँ, कुछ उठा रही हूँ तो मुझे पेन हो रहा है। तो तुम उठाती क्यों ये सब बेंड? अरे मतलब कई बार ऐसी सिचुएशन फंस जाती है कि ऐसे जानबूझ के थोड़ी आप एक्स्ट्रा वॉक कर रहे हो, बट अब वॉशरूम तो जाओगे, रूम से बाहर तो निकलोगे, कुछ तो करोगे, बेबी को तो लोगे, तो ये सारी इसमें कॉम्प्लिकेशन आती है। बट नॉर्मल में आप बहुत जल्दी फ्री हो जाते हो, मतलब फिट फील करते हो, तो उसमें बाद में प्रॉब्लम नहीं होती है, सी सेक्शन में बाद में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, बट ये कि आप वो भी उससे भी रिकवर कर जाते हो टाइम के साथ। एंड नॉर्मल में ये होता है कि आप कुछ भी खा सकते हो, पोस्ट डिलीवरी आप एकदम फ्री होके जो चाहे वो खा सकते हो, ऑपरेशन की वजह से ऐसा होता है कि कुछ दिन तक आपको परहेज करना पड़ता है कि आप एकदम धीरे धीरे दलिया दाल खिचड़ी ये सब खाते हो, धीरे 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 अपनी डाइट इम्प्रूव करते हो, तो स्टार्टिंग में आप ये सब नहीं खा सकते हो, जबकि नॉर्मल डिलीवरी में आप सब कुछ खा सकते हो उस टाइम पे अपनी बॉडी को और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं तो इतनी बेचारी भूखी थी, मैं इसके सामने खाना ही नहीं खा रहा था हॉस्पिटल में, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना। 3 दिन तक तो गाइस कुछ खाते नहीं है, जब ऑपरेशन हुआ था उस दिन तो कुछ भी नहीं, नेक्स्ट डे बोला था मेरा गला सूख रहा है, मेरे को पानी चाहिए, पानी अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। तुम्हें पानी पीना है, पी लिया पानी, रुको। लिप्स एकदम ड्राई हो गए, पानी दिया था।
फिर उन्होंने कहा सिर्फ एक स्पून आप पानी पी सकते हो, कि गला अगर आपका ड्राई हो रहा है तो आप बस एक स्पून पी सकते हो। फिर तो बस एक स्पून पानी पीती थी पूरा दिन, मतलब बहुत ही वो होता था। लेकिन सबका अपना, वी आर श्योर कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है या कुछ आपके आसपास बहुत अलग सिस्टम रहा होगा, भले ऑपरेशन पानी अलाउड होगा, खाना अलाउड होगा, लेकिन सबका अपना अपना है। सबका अपना अपना, बट ये ऑपरेशन में होता है कि डे वन कुछ नहीं, फिर डे टू आप थोड़ा सा पानी ले सकते हो, डे थ्री से आपकी डाइट स्टार्ट होती है, तो उसमें भी आप एकदम पतला जैसे दाल का पानी, खिचड़ी तो थोड़ा नेक्स्ट डे फोर पे, मतलब ऐसे धीरे धीरे करके सॉलिड स्टार्ट होता है, मतलब बहुत सारी चीजें होती है। और आप तो इतनी दबा के खा रही है, सोन के लड्डू ये हो, रात के 12-1 बजे हम लोग खा रहे हैं भाई। बट मैं जब डॉक्टर के पास गई थी 1 वीक के बाद, तब हमने मैंने पूछ लिया था क्या क्या खा सकती हूँ, कहते आप थर्ड डे से आप सब खा सकते हो, बट फिर भी हम लोग थोड़ा अपने साइड से प्रिकॉशन लेके चलते हैं, कि डॉक्टर तो बोलते सब खाओ, बट फिर भी हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके चलते हैं। एंड इसी तो थोड़ी सी परेशान भी हो जाती है कि इसको डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, क्या मेरी ये ज्यादा लग रही है, वो होता है लड़कियों को, लेकिन मुझे नहीं लगता, थोड़े से डार्क सर्कल शायद कभी कभी आते हैं, बट इट्स नॉर्मल। वो भी नींद पूरी नहीं हो रही ना, तो इस वजह से मुझे दिखते हैं, बट ये भी है कि जब थोड़ा सा नींद मेरी प्रॉपर आने लगेगी तो शायद से डार्क सर्कल चले जाएंगे। अब इसको मैं प्रॉब्लम नहीं लग रहा हूँ नींद में, पहले केवल मेरे से कम्प्लेन थी, अब कम्प्लेन कर ही नहीं सकती। रात को 4 बजे उठ के यू बैठती है पिलो लेके, बेबी को शांत करा रही थी और मैं लेटा हूँ, मुझे यू घूरती है। एंड गाइज भाई को एक पॉइंट आपको शेयर करना था, माइंड में था बट मैं भूल गई थी, अभी मुझे याद आया तो मैं बता दे रही हूँ। जैसे मैंने ना डिलीवरी के पहले बहुत सारे वीडियोस देखे थे कि क्या क्या होता है डिलीवरी के बाद, तो एक कॉमन, अगर आप लोग भी इस फेज से गुजर रहे हो शायद आपने भी सुना होगा, कि जब आपको फर्स्ट टाइम वॉक कराई जाती है, पहले दो चीजें, कि ऑपरेशन के जस्ट बाद आपको एक्सट्रीम ठंड लगती है, वो जिस भी रीजन से लगती है एक्सट्रीम ठंड लगती है कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते हो, बहुत ज्यादा शिवरिंग होती है, तो मेरे साथ वो बिल्कुल नहीं हुई। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो आप लोग अगर ऐसे कुछ वीडियोस देख के डर जा रहे हैं तो प्लीज डरिएगा नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मैं डर गई थी, मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है क्या, ओह माय गॉड। डिलीवरी के 1 वीक पहले ये चीजें मुझे पता चली थी और मेरी हालत खराब हो गई थी, लेकिन मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। एंड दूसरी चीज कि जब आपको फर्स्ट टाइम वॉक कराया जाता है तो आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आपको पैर रखना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम भी नहीं हुई। जब फर्स्ट टाइम उसे वॉक कराया तो मैं, मुझे सपोर्ट की जरूरत ही पड़ी और मैं खुद से खड़ी हो गई। नर्स थी मेरे साथ की, हाँ पकड़ ले, मैंने कहा नहीं अभी मुझे मत पकड़ो, मैं खुद से खड़ी हो रही हूँ, क्योंकि वो पकड़ रही थी ज्यादा मैं अनकंफर्टेबल हो रही थी, तो मैं आराम से करके बस एक हाथ पकड़ के मैंने आराम से वॉक भी की काफी, और मुझे कोई चक्कर नहीं आए, पैर को जमीन पे रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मतलब मैं बहुत इजीली मैंने वॉक की। तो अगर आप लोग की डिलीवरी आने वाले टाइम पे होने वाली है तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, तो प्लीज ऐसे वीडियोस देख के आप डरिएगा नहीं, क्योंकि सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। मारी छोरी छोरों से कम है के। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे, पहले से सोच के बैठेंगे कि ठंड लगेगी या मेरे को वॉक कराने वाले हैं कल, मैं चल नहीं पाऊंगी, तो शायद ऐसा हो, लेकिन अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहेंगे और आपको लगेगा कि सब फिट है, सब बढ़िया है, सब अच्छा हो रहा है, तो बढ़िया ही। हाँ सो गाइज थैंकफुली बेबी पूरे टाइम तक सोता रहा, हम लोग ब्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, क्योंकि आजकल ब्लॉगिंग कर रहे हैं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, लेकिन ठीक है। अगर दिक्कत नहीं तो मजा। और वैसे भी उसका उठने का टाइम आधे घंटे पहले का था, उसने हमें थोड़ा टाइम दे दिया कि अच्छा मैं थोड़ा और सो लेता हूँ, आप लोग अपना ब्लॉग कर लो, आप पीछे से आवाज आ रही है। भाई मेरी तो दिल की धड़कन बहुत तेज थी, क्योंकि मुझे पता था अगर वो रोया तो इतनी गर्क बोलेगी टाटा बाय, निकलो तुरंत, लेकिन शुक्राना भाई शुक्राना। तो गाइज इससे पहले वो उठ के रोने लगे, आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं, आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। गुड नाइट गाइज। गुड नाइट। ये लगातार मैंने पहली बार इतनी लंबी लाइन बोली है पूरे ब्लॉग में। अच्छा। बोलने को ही नहीं मिला, कितना टॉपिक ही था क्या बोलते न्या, 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 न्या। गाइज बस चलो ब्लॉग तो एंड करें, एक बार देख लो, मुझे ही देख लो, क्योंकि यार मेरे कुछ मेरा कुछ पार्टिसिपेशन इतना बड़ा लेफ्ट आउट फील हो रहा है। धूम मचा देंगे, रॉक कर देंगे वर्ल्ड को, ठीक है, बाय बाय।